अच्छा, तो हम जब पॉप करते हैं तो क्या करते हैं, टॉप में एक माइनस करते हैं और फिर पहले एलिमेंट रिमूव करते हैं और फिर टॉप में एक माइनस करते हैं। तो फिर मैंने एलिमेंट रिमूव किया और टॉप में एक माइनस किया, टॉप आपका इस जगह पे आ गया। फिर मैंने एलिमेंट रिमूव किया, ठीक है, एलिमेंट रिमूव किया, अब जीरो से टॉप किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, माइनस वन पे, माइनस वन पे, ठीक है। अब आपका टॉप माइनस वन पे आ गया है, अब आपका स्टैक एम्प्टी है। जब आपका टॉप माइनस वन पे आ गया तो स्टैक एम्प्टी था ना, तो अब आप इसमें से और जो एलिमेंट है वो पॉप नहीं कर सकते, यानी कि इसमें से रिमूव नहीं कर सकते। तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर टॉप माइनस वन पे है तो हम स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि स्टैक अंडरफ्लो कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ, स्टैक एम्प्टी है। ठीक हो गया, समझ आई है ना? तो इसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। जब इधर था ना आपका स्टैक, टॉप आपका जीरो पे था, फिर मैंने फाइव रिमूव सर, किया, हाँ फाइव रिमूव किया, जब मैंने जी सर, फाइव रिमूव किया तो फिर जीरो में माइनस वन हुआ तो माइनस वन पे आ गया। ठीक हो गया, जी माइनस सर, वन पे जब आपका आ गया है, अब आपका स्टैक एम्प्टी है, अब आप इसमें से और एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते, यही है नहीं ना? सर, ठीक है यस ना? सर, तो जब अब क्या कंडीशन लगेगी चेक करने के लिए, स्टैक खाली तो नहीं है, ताकि हम उसमें से, अगर खाली होगा तो उसमें से ऐसे ही ना पॉप ना किए जाए, तो क्या कंडीशन लगेगी जी अगर आपका टॉप माइनस वन पे है? यही कंडीशन जी लगेगी ना? यस सर, स्टैक जब फुल था तब क्या कंडीशन लगी थी, टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन, और जब फाइव माइनस टू तो एम्प्टी के लिए क्या कंडीशन लगेगी, टॉप इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब हम क्या टॉप कंडीशन इज, लगाएंगे, अब हम इधर फंक्शन लिखते हैं void, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी आपने? वो नहीं कर ली थी हो रही है, हो रही है, सर, हो रही है। अच्छा पॉप, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा पॉप जो है ना वो कोई एलिमेंट एज ए आर्गुमेंट नहीं लेगा, उसमें तो हम एक वैल्यू उसको देते हैं। पॉप तो हमने टॉप से उठाते जाने, निकाल रहे हाँ हैं पॉप तो हम टॉप से उठाते जाएंगे और उनको रिमूव करते जाएंगे, ठीक है ना? तो ये एज ए पैरामीटर कोई एलिमेंट नहीं लेगा। तो ये फंक्शन, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इंट क्या चेक करना है, कंडीशन इफ टॉप इज इक्वल टू माइनस वन, तो -1 क्या हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट, इस तो आपका खाली है हाँ स्टैक इज एम्प्टी। एम्प्टी है, यानी कि आप उसमें से और वैल्यूज रिमूव नहीं कर सकते इफ की यस, कंडीशन में ये, वरना एल्स में जाके क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उसको एलिमेंट। एल्स में जाके पहले रिमूव करना था, बाद में टॉप में माइनस माइनस करना था ना, यस सर, पहले तो हम क्या रिमूव। करेंगे, किसी भी वैल्यू में वो रखवा लेते हैं रिमूव करके, एस ऑफ टॉप, ये टॉप में से वैल्यू रिमूव होगी। अब आपने टॉप में क्या करना है उसके बाद, माइनस -1 माइनस, ये देखिए ये आपका पॉप का फंक्शन है। तो समझ लगी किस तरह से पुश और पॉप और है। सर, अच्छा इसके बाद हम एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं ताकि जो भी स्टैक में पड़ा होगा उसको डिस्प्ले करवा दे, void display। तो ये किस तरह से, कोई बता सकता है किस तरह से लिखेंगे? सी आउट करा देंगे इसमें से, आउट करा जैसे देंगे, फॉर लूप लगा के, क्योंकि वो रे में हम करेंगे। ये इसी तरह से ही प्लस होगा वन ना, आई ए साइन टॉप, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, सी आउट एस ऑफ आई, समझ आ रहा है ना फंक्शन क्या कर रहा है? ठीक सर, हो गया, टॉप से स्टार्ट करना है, जहां तक जीरो तक चलना है, ठीक है, और प्रिंट करवाना और माइनस कर देना, फिर वो सारा प्रिंट करवाता रहेगा, टॉप से नीचे की तरफ प्रिंट करवाएगा, ठीक हो गया। अब मेन में जाके, मेन में जाते हैं, अब हम क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली टॉप में माइनस वन आ जाएगा, बताया था ना मैंने, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो यस, आपका कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल खोल आता दिया है, आपने। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैंने
एस डॉट पुश, पुश ठीक है। मैं इधर फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू इधर, इसी तरह से इसको दो चार दफा कॉल करते हैं इसको। फाइव सिक्स सेवन, अच्छा आप टॉप पे क्या पढ़ा होगा, टॉप पे क्या पढ़ा होगा? टॉप पे सर ये 5 पढ़ा होगा हमारा, नहीं नहीं सर 9, 9 पढ़ा होगा, 9 पढ़ा होगा, अच्छा 9 होगा, अच्छा 9 होगा टॉप पे, अच्छा जी। अब क्या पढ़ा होगा? अब दो दफा आपने रिमूव किया, 7 पढ़ा होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब क्या पढ़ा होगा? अब क्या पढ़ा होगा टॉप पे? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हुई है? यस सर। अच्छा आप अब बताओ आप क्या पढ़ा होगा? 8 होगा सर। 8 हाँ 8 होगा, सिंपल समझ आई है ना। अच्छा अब मैं इसको डिस्प्ले भी करवा के देखता हूँ। एस डॉट डिस्प्ले, क्या क्या आउटपुट आएगी? 8 आएगी। फिर सोच लो। यस सर। गलत कह रहे हो? फिर सोच लो, गलत कह रहे हो? डिस्प्ले करेगा ना, सोच लो क्या आउटपुट आएगी। 8 से लेके 5 तक नहीं आएगा? ये सही कह रहा है जिसने कहा। ये आउटपुट आएगी 5 तक, ठीक है ना? क्योंकि 7 6 5 यस पॉप जब किया तो आपका क्या क्या उधर से पॉप हुआ? 9 और 10, वो क्या नाम है, 10 और 9 पॉप हो गया। 10 और 9। अच्छा ये एक मिनट, ये 8 क्यों नहीं आउटपुट में आ रहा? ठहर जाओ, 8 भी आना चाहिए ना। यस सर आना चाहिए। दो दफा पॉप हुआ, एक मिनट में देखता हूँ क्या गलती हो सकती है, कोई बताए। सर वो आपने वैल्यू ज्यादा नहीं दे दी इस पे, कुछ ज्यादा वैल्यू तो नहीं करवा दी? ऊपर कीजिए ना सर। हाँ यही है, 6 वैल्यूज पुश करवा दी है, ठीक है, गुड है, ठीक है ना। सर वो स्टार्ट कर रहा है 9 से। हाँ अब हाँ, उसका साइज कम था ना, साइज कम था और ज्यादा वैल्यू हम पुश करवा रहे थे। अब देखें ठीक आ रही है ना? यस सर। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही काफी है, समझ आ गई होगी होप। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? एक दफा पॉप का समझा दीजिएगा जरा, ये जो लास्ट में पॉप किया है। हाँ जी, ये जो लास्ट में पॉप किया आपने, उसका समझा दीजिए दोबारा। देखो जब पुश किया 5 6 7 8 9, 5 एलिमेंट है, जब पॉप किया 9 रिमूव हो गया, फिर पॉप किया 8 रिमूव हो गया, तो अब 7 6 5 ही पड़ा होगा ना, तो वो डिस्प्ले हो क्या रहा है। यस वो देखो ठीक हो गया सर, ये कोड तो भेज देना सर। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग हाँ मैं वो उधर गूगल क्लासरूम पे ना आपका वो बना देता हूँ क्लास, वो आपको कोड शेयर कर दूंगा। गूगल क्लास का कोड शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं कोड शेयर कर दूंगा और वहाँ पे यानी कि आपकी क्लास बना दूंगा ना, उसका फिर गूगल क्लासरूम का कोड आपके साथ क्लास का शेयर कर दूंगा। और इसके रिलेटेड मैं कोई ना कोई टास्क भी आपको उधर अपलोड करूंगा। जी सर ठीक हो गया। ये नहीं, ओके जी सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।